हेलो व्यूअर्स वेलकम इन दिस वीडियो इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई फ़ॉर माइक्रोसॉफ्ट यूनिस्टी इंटर्नशिप प्रोग्राम बेसिकली दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दी ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड पीएचडी लेवल स्टूडेंट्स सो लेट अस लर्न हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एंड ऑल्सो वी लर्न फॉर द डिटेल ऑफ दिस प्रोग्राम and This is a Microsoft internship program for the students. And basically, this program is initiated by the Microsoft and Microsoft invite all these students globally to apply for this program. ये program fully funded है, इसका मतलब है कि जितने भी expenses होंगे वो सारे Microsoft खुद pay करेगा। और उसमें undergraduate के students भी apply कर सकते हैं और postgraduate के students भी apply कर सकते हैं। और उसके अलावा इस प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो वन मंथ है मिनिमम और मैक्सिमम जो इसकी ड्यूरेशन है वो सिक्स मंथ है ये लोकेशन पे डिपेंड करना है और इंटर्नशिप टाइप पे डिपेंड करता है कि माइक्रोसॉफ्ट लोकेशन और इंटर्नशिप टाइप के हिसाब से आपको कितनी ड्यूरेशन अलो करेगा सो दिस प्रोग्राम इज़ फॉर दी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम सो सी हो कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये प्रोग्राम बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है मास्टर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए है एम बी ए के लिए है पी एच डी प्रोग्राम्स के लिए ये सब स्टूडेंट्स के लिए और माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोग्राम इनिशेट किया है और पूरी दुनिया के इस्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक हो यू कैन अप्प्लाई फ़ार दिस माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑल दी कैंडिडेट्स आर हैली इंक्रेज टू अप्लाई फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम there इज़ नो एनी रजिस्ट्रेशन फ़ी or sign up फी इस प्रोग्राम के लिए आपको कोई भी फीस रजिस्ट्रेशन के लिए या साइनअप के लिए पे नहीं करनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है इस्टूडेंट्स को ग्लोबली पूरी वर्ल्ड के स्टूडेंट्स को चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कंट्री से हो पाकिस्तान से हो इंडिया से हो यू से हो ये रिक्वायरमेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की इस प्रोग्राम के लिए देखते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोग्राम बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं है लाइक like, कोई आपको आईलेट्स ट्रेफल या दूसरे किसी लैंग्वेज का एग्जाम लाजमी पास करना हो ऐसी कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि आप इस प्रोग्राम के अलावा दूसरे भी जो माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप प्रोग्राम हैं पूरी दुनिया में आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप अपने आप को इमेजिन करेंगे एज अ माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न जॉइन द माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम टूडे एंड हेल्प माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हेल्प टू इनोवेट एंड शेप द बिजनेस ऑफ टोमरो तो इसके लिए कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी लैंग्वेज की न एलेट्स की ना ट्रेफिल की ना ही कोई अगर ऐसी दूसरी कोई लैंग्वेज है या उसका एग्जाम है जो आपको पास करना हो मिनिमम ऐसी कोई भी इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी फर्दर डिटेल हम अभी आगे देखेंगे इस प्रोग्राम की ये प्रोग्राम इनिशिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए और इस इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो वन मंथ से सिक्स मंथ है और इस इंटर्नशिप में बैचलर्स के स्टूडेंट्स, मास्टर के स्टूडेंट्स एम के स्टूडेंट्स और पी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा ये फुली है इसका मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको फुल पे करता है इस प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल कवरेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज या बेनिफिट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है जिसमें कॉम्पिटेटिव पे पर मंथ माइक्रोसॉफ्ट आपको पे करेगा और उसके अलावा रिलोकेशन बेनिफिट्स मीन्स ट्रेवलिंग अलाउंस अगर लोकेशन आपकी सेंटर की एक जगह पर है और आपकी कंट्री कहीं और है आप ट्रेवल करके आते हैं तो उसका भी जो भी ख़र्चा होगा वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ए ट्रेवल अलाउंस देगा और उसके अलावा भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं इस प्रोग्राम के जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करेगा जब आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे तो उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट आपको ऑफर करेगा इस प्रोग्राम की इंटर्नशिप की जो लोकेशनस हैं वो यू और कैनेडा के डिफरेंट जो सेंटर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के या इंटर्नशिप प्रोग्राम के जो गैरेज हैं माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पर आपको लोकेशन अलर्ट करेगा यूएसए की भी लोकेशन हो सकती है कनाडा का भी लोकेशन हो सकती है उसके अलावा इस प्रोग्राम की डिफरेंट फील्ड्स हैं इंटर्नशिप की जिसमें माइक्रोसॉफ्ट आपको फील्ड्स में प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग की फ़ील्ड्स हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और प्रोग्राम मैनेजर है प्रोडक्ट प्लानिंग है प्रोग्राम राइटर है टेक्निकल राइटर है सर्विस इंजीनियरिंग है उसके अलावा भी इंजीनियरिंग की और भी फील्ड है और प्लस में हार्डवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में भी इंटर्नशिप अवेलेबल है उसके अलावा यूएक्स डिज़ाइन सप्लाई चेन और उसके अलावा डाटा एंड अप्लाइड साइंसिस की भी जो है ना फील्ड अवेलेबल हैं इस सब में माइक्रोसॉफ्ट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशनल लेवल पे और ये डिफरेंट लोकेशंस पर अवेलेबल हैं और उसके अलावा दूसरी फील्ड्स में आईटी ऑपरेशंस ऑपरेशन हैं फैनानस है मार्केटिंग है सेल्स है, है और सर्विसेज जिसमें कंसल्टेंट सपोर्ट इंजीनियर टेक्निकल अकाउंट मैनेजर टेक्निकल एवेंटलिस्ट और उसके अलावा भी दूसरी फील्ड्स हैं आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं ये सिर्फ लिमिटेड इतनी सीट्स नहीं हैं और भी सीट्स हैं और इस प्रोग्राम की कोई भी ऐसी डेडलाइन नहीं है मतलब आप ओवरऑल दि कभी भी अप्लाई कर सकते हैं कोई भी लास्ट डेट या डेडलाइन नहीं है कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जगह से किसी भी कंट्री से इस प्रोग्राम के लिए जब भी आप चाहें जब भी आपका दिल करे यू कैन अप्लाई फॉर दिस माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउ टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम तो दिस प्रोग्राम इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं नीचे आपको उसका लिंक दिया हुआ है इस लिंक को आप ओपन करें और इस लिंक को ओपन करने के बाद वहां रजिस्ट्रेशन कराएं और इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो उसके अलावा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि uh, वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें थैंक यू वेरी मच